हुण पंजाब दे विच वैक्सीनेशन नूं लैके चंगी खबर दा रुख कर लैणे आ। तुहानूं दस दईए भारत बायोटेक तो 1,14,000 कोवैक्सीन दी डोज मिल चुकी है। 18 तों 44 उम्र वर्ग जो है उसके लिए वैक्सीन की डोज पंजाब पहुंची है। तो पंजाब सरकार वालों ऑर्डर की गई सी वैक्सीन की पहली खेप पंजाब दे विच पहुंच चुकी है। साढ़े सहयोगी नितिका महेश्वरी साढ़े नाल इस खबर से जुड़ चुके हैं। नितिका, कुछ राहत वाली खबर जरूर है, हालांकि खेप वड्डी मंगी गई सी पर 1 लाख नाल ही सही शुरुआत तो हुई। बिल्कुल, जे गल की जाए अमृता, बहुत सारे थावां ते वैक्सीन बिल्कुल खत्म हो गई सी, जिसके कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पै रहा है। देखो, गेट पहले ते गेट दूजे की जे गल की जाए वो तो वैक्सीन जी नहीं मिल रही पंजाब सरकार नूं फिलहाल, लेकिन 18 तों 44 साल की जी ड्राइव है उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव ना रुके, इसलिए सरकार कई तरह की प्रबंध करने की कोशिश कर रही थी। कई कंपनीज नाल जाबता किया जा रहा है, हालांकि फाइजर से मॉडर्न ने जो ना कर दी थी कितना कितने पंजाब सरकार ने भी झटका लग्या सी। उन्होंने लग रहा है कि हुण सानू वैक्सीन जी कितों मिलेगी, पर एक राहत की खबर है कि भारत बायोटेक कंपनी वालों जरा 1,14,000 जड़िया वैक्सीन है वैक्सीन डोजेज हैं वह जड़ियाँ दे दी गई हैं पंजाब सरकार नूं। ते पहली कोवैक्सीन जी है वो पंजाब नूं मिली है, पहली खेप मिली है, क्योंकि हुण तक कोविशील्ड ही मिल रही थी। जो भी किसी ने कॉन्टैक्ट किया जा रहा है कोविशील्ड ही मिल रही थी। करीब 4,30,000 लोगों नूं हुण तक वैक्सीन लग चुकी है 18 तों 44 साल की उम्र के विच। ते हुण क्योंकि लग रहा सीगा कि वैक्सीनेशन ड्राइव ते रोकनी ना पै जाए, जे वैक्सीन नहीं मिलेगी तो कह सकते हैं कि यह राहत भरी खबर है कि पंजाब सरकार नूं भारत बायोटेक वालों जिहड़ी है 1,14,000 डोज जिहड़ियां ने वो मिल गई ने। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी दे लेने दी।